हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है कोडो मिलेट्स। कोडो मिलेट्स एक फॉर्म ऑफ ग्रेन है जो कि राइस यानी कि चावल और व्हीट यानी कि अन्न का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। इन कोडो मिलेट्स को वगारू भी कहा जाता है और बहुत अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और डाइट्री फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये होते हैं ग्लूटेन फ्री, और इसी वजह से ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, डायबिटीज फ्रेंडली होते हैं ये। और उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को काफ़ी इन्हांस करते हैं, उसको काफ़ी अच्छा करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और ये जॉइंट पेन, मसल हेल्थ और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कोडो मिलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। उसके अलावा मेरे चैनल पे अलग अलग तरह के वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसी के बगल वाले घंटी के सिंबल यानी कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करने के लिए सर्च करें अर्पिता स्पेस के नाम से। कोडो मिलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए कोडो मिलेट्स या वगारू एक छोटा कप। सब्जियों में मैंने लिया हुआ है आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप बारीक कटा हुआ बीन्स, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप लंबा लंबा कटा हुआ प्याज, आधे नींबू का रस, आधा कप मटर के दाने। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कलियां। इन अदरक और लहसुन को पीसकर हमें इनका एक पेस्ट बना लेना है। एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक तेजपत्ता, 3 काली मिर्च के दाने साबत, 2-3 साबत लौंग, 1 हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें हरी मिर्च ना मिलाएं। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, अगर आपके पास साबुत दालचीनी है तो आप उसका आधा इंच का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक आधे से एक छोटा चम्मच या फिर स्वादानुसार, और हल्दी पाउडर 1 चुटकी, घी 1 बड़ा चम्मच। मैंने यहाँ पर घी यूज किया है लेकिन आप इसमें तेल भी यूज कर सकते हैं। पानी 2.5 कप, इसमें हमें कोडो मिलेट्स और पानी का रेशियो 1:2, 2.5 या 2.5 रखना है, यानी कि 1 कप मिलेट्स के लिए हमें 2.5 कप पानी लेना है। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुकर में सिर्फ 1 छोटा चम्मच घी डालकर और सबसे पहले इन मिलेट्स को इसमें थोड़ा सा भून लेंगे यानी कि रोस्ट कर लेंगे मध्यम आँच पर। तो हमें इन्हें 2-3 मिनट तक भूनना है, उसके बाद ये हल्के से भूरे होने लगेंगे और इनमें से एक भुनने की खुशबू आने लगेगी, तब गैस बंद करके हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब इस कुकर में हम बचा हुआ घी डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे। अब ये घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें ये खड़े मसाले मिला देंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये साबुत काली मिर्च, लौंग और इलायची। 10 सेकंड के बाद हम इसमें ये सौंफ मिला देंगे और साथ में ये जीरा मिला देंगे। गैस को इस टाइम मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। अब 15-20 सेकंड के बाद हम इसमें ये तेज पत्ता मिला देंगे। अब गैस को धीमा करके हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे, साथ में इसमें मिलाएंगे ये हरी मिर्च। इनको हमें लगभग 2-3 मिनट तक पकाना है जब तक कि लहसुन की कच्ची स्मेल चली ना जाए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि वो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन ना होने लग जाएं, सुनहरे ना होने लग जाएं, यानी कि 1-1.5 मिनट। गैस को इस टाइम हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ये कटी हुई गाजर और बीन्स। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ये काली मिर्च पाउडर और दालचीनी पाउडर।
और साथ में हम मिलाएंगे ये हल्दी पाउडर। इन मसालों को हमें बाकी सबके साथ लगभग आधे मिनट तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ये मटर, और 15-20 सेकंड के बाद हम इसमें नमक मिला देंगे। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो पानी, जैसा कि मैंने बताया कि हमने ये एक कप मिलेट्स लिए थे इस कप में, तो इसका 2.5 गुना पानी हमें मिलाना है, यानी कि ये वाला कप भर के 2.5 कप पानी हमें मिलाना है। लगभग आधे मिनट बाद हम इसमें ये टमाटर मिला देंगे, और आखिर में हम इसमें मिलाएंगे ये रोस्टेड कोडो मिलेट्स, यानी कि भुना हुआ बगारू। अब हम कुकर में सीटी लगा देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसको 3 सीटी आने तक पकने देना है। अब इसमें 3 सीटी आ चुकी है, तो हम गैस बंद करके कुकर को ठंडा होने देंगे। अब कुकर ठंडा हो गया है, हम इसे खोलकर एक बार देख लेते हैं। तब हमारे कोडो मिलेट्स के पुलाव बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, इनका एक एक दाना अलग अलग दिख रहा है, एकदम खिले खिले बने हैं ये। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर, नींबू का रस। इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इन मिलेट्स पुलाव को एक प्लेट में गर्मा गर्म परोसेंगे। आप इसको किसी चटनी के साथ भी परोस सकते हैं, या इसको एज इट इज भी खाया जा सकता है। अब हमारे बहुत हेल्दी, बहुत क्विक और बहुत इजीली बन जाने वाले कोडो मिलेट पुलाव या बगारू पुलाव बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कोडो मिलेट्स को किस तरीके से यूज करते हैं, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और उसी के बगल वाले घंटी के सिंबल यानी कि बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग।